नमस्ते सर, नमस्ते। पुणे से रानी भोसले, बूथ समिति प्रमुख और कॉरपोरेटर भी हूँ। सर, हम सबने आपको कुंभ के सफाई कर्मचारियों के पैरों को धोते हुए देखा और पूरा परिवार भावुक हो गया। सर, हमें ये दिक्कत है कि अपनी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो ये सब हम कैसे याद रखें, हम भूल जाते हैं। और कार्यकर्ता भी लोगों को ये कैसे समझाएं, जैसे पंतप्रधान किसान योजना है, आर्थिक निकट पे जो आरक्षण लागू हुआ है, 5 लाख टैक्स पर जो फ्री आपने किया है, और सबसे ऐतिहासिक अब जो निर्णय लिया है कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक। सर, ये अगर दूसरी सरकार होती तो 2 दशकों तक ये नहीं कर पाती थी, तो ये सब आप सर इतने जल्दी कैसे कर पाते हैं, बस यही पूछना है। सबसे पहले तो आपने कुंभ मेले को याद किया और कुंभ मेले इस बार, आप बैठिए रानी जी बैठिए, इस बार पूरी दुनिया में कुंभ मेले की एक चर्चा हो रही है स्वच्छता के संबंध में। तो मैं कुंभ में स्नान करने गया था तो मेरा मन कर गया कि जिन सफाई कामदारों ने कुंभ में 22 करोड़ लोग आए और स्वच्छता रखने के लिए कितनी मेहनत की होगी, और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया उन्होंने, और उसी भावना के तहत मेरा मन कर गया कि मैं भी उनके पैर धोकर के उनका सम्मान करूं। अगर आपके परिवार ने टीवी पर देखा तो आप भावुक हो गए, मेरे लिए भी ये बहुत ही भावुक पल था। लेकिन जब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति है, टिकना है, फलाना है, तो वो मुझे जानते नहीं है। मैं आज पहली बार आपको बताता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना गुजरात में तो मुख्यमंत्री निवास स्थान में मुझे रहने के लिए जाना था। अब हमारे देश में एक परंपरा है कि जाते हैं तो पूजा करते हैं, कलश रखते हैं, तो मुझे भी हमारे सरकार के लोगों ने कहा कि मोदी जी, मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले कोई पूजा, कोई कलश वगैरह कुछ व्यवस्था कैसे करना है, आपके परिवारजनों को बुला लें, क्या करें। तो मैंने उनको सीधा सीधा कहा, देखो भाई, एक काम करो, सरकार में चौथे वर्ग में काम करने वाला कोई प्यून हो और दलित हो और उसकी बेटी हो, उस बेटी को बुलाओ और उसी के हाथ से आप प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के निवास स्थान का कलश रखिए और वही मेरे लिए उद्घाटन हो जाएगा। और मैंने किया, ये कोई मैंने पब्लिसिटी के लिए नहीं किया था। तो ये संस्कार, ये भावना, ये कोई सिर्फ मैंने इस बार पैर धोए इसलिए है नहीं, मेरे संस्कार में पड़ी हुई है। और हम भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए समाज के हर वर्ग के पूजा करना ही हम लोगों का दायित्व है। लेकिन आपने मुझे उस भावात्मक क्षण की ओर ले गई, इसके लिए मैं मेरे मन को भी छू गया। आपके परिवार ने इस बात को नोटिस किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, एक प्रकार से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके सवाल से मैं खुश हूं कि दुखी हूं। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि खुश इसलिए कि हमारी सरकार ने इतना काम किया कि आपके लिए उन्हें याद रखना आसान नहीं रहा। दुखी इसलिए कि अगर आप ही योजनाओं को याद नहीं रखेंगे तो फिर हर घर अभियान कौन पहुंचाएगा। वैसे ये सवाल आपने महत्वपूर्ण पूछा है रानी जी, जब हमने इतना काम किया है तो उसे जनता तक सही तरीके से पहुंचाना भी हमारा दायित्व है। इसके लिए एक अच्छा उपाय ये हो सकता है कि हम अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को अलग अलग तरह से क्लब करें और उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं। सबसे पहले आप सभी योजनाओं का चार्ट बना लें, फिर उसे कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे एक तरीका यह हो सकता है कि योजनाओं की 1 से लेकर 100 तक की लिस्ट बना लें। एक और तरीका यह हो सकता है कि A to Z
अल्फाबेट के अनुसार योजनाओं की सूची बना लें, जैसे ए से आयुष्मान भारत, बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा करते हुए योजनाओं को अल्फाबेटिकल चार्ट बना सकते हैं ताकि उन्हें आप आसानी से बता सकें। यही नहीं, योजनाओं के नाम पर गीत या कविता भी आप रचना कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए किए गए काम, दलितों के लिए किए गए काम, आदिवासियों के लिए किए गए काम, बहनों के लिए किए गए काम, यानी समाज के भिन्न भिन्न तबके के लिए, गांव के लिए किया हुआ काम, शहर के लिए किया हुआ काम, मुझे लगता है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का ये सबसे बड़ा आसान और सहज तरीका होगा। अगर आपने इन तरीकों को आजमाया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही जब आप जनता जनार्दन के बीच पहुंचेंगे तो आप उनके परेशानियों को चुटकी में हल कर पाएंगे। आपने जो काम पिछले 2 महीनों में गिनाए हैं, ये भले ही आपको लग रहा है कि ये सब 2 महीनों में हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी चीजों की नींव पिछले 5 सालों में कोई समय ऐसा नहीं है कि उसको हमने आगे न बढ़ाया हो। 5 वर्षों में हमने जो मेहनत की है उसका तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ये ट्रेलर दर्शाता है कि हमारी मेहनत सॉलिड थी, हमारा परिश्रम सही दिशा में था और लोक कल्याण के लिए हमारी प्रतिबद्धता सर्वोपरि थी। 5 साल के भीतर जब हम ये सब कर पाए हैं तो आप सोचिए, जब हमें अगली बार सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम देशवासियों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात एक कविता की कुछ पंक्तियों से आज पूरी करना चाहता हूं। उस कविता में आज आपको सुनाना चाहता हूं, थोड़ा समय लूंगा लेकिन सुनिए। बरसों से था घना अंधेरा, बरसों से था घना अंधेरा, अब जाके भोर दिखी है, उन्नति की हवा चली है, उम्मीदों की धूप खिली है, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, बस यूं ही चलते रहना है, बस यूं ही चलते रहना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है, गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है, घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है, घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है, देश ने करवट बदली है, देश ने करवट बदली है, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है, प्रगति का दौर है, प्रगति का दौर है, ना रुकना है ना थकना है, अभी हुई है साफ सफाई, अभी हुई है साफ सफाई, अभी तो और गति बढ़ाना है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। तो आओ अब ये ठान लें, ये बात गांठ बांध ले, बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया, बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया, प्रगति से इस पहिए को अब रुकने नहीं देंगे, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है।